नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा। अभी देश जिस संकट की घड़ी से गुजर रहा है वो वाकई बेहद दुखद और चिंताजनक है। हालात ऐसे हैं कि लोग अपनी एक एक सांस को तरस चुके हैं। वहीं इस मुश्किल घड़ी में जो लोग रात दिन उन्हें बचाने में जुटे हैं, आखिर घर परिवार उनके भी हैं। डॉक्टर, नर्स, अस्पतालों के कर्मचारी, सब कुछ भूलकर अगर उनका कुछ मकसद रह गया है तो वो ये कि बस लोगों की जान बचाई जा सके। वही हाल ही में जब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल वीसी के माध्यम से अस्पताल के कर्मचारियों से वार्ता कर रहे थे, तभी एक नर्स की आपबीती सुन सीएम की भी आंखें भर आई। जब उस नर्स ने बताया कि कैसे कोरोना से उसने अपने पति, सास और ननद तीनों को खोने के बावजूद भी वो लगातार अपनी ड्यूटी निभा रही है। जरा देखें ये वीडियो। हमारे पास साथ कुछ ऐसी नर्सेस जुड़ी हुई हैं जो कोरोना के समय में अपने जीवन की परवाह किए बिना बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सर, सर अब मैं बलौदा बाजार से वर्षा गुंडानी जी को आमंत्रित करूंगी। सर, इन्होंने कोविड में अपने पति और माँ दोनों को खो दिया, उसके बावजूद ये अपनी ड्यूटी पर डटी हुई है। सर, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार, मेरा नाम वर्षा गुंडानी है, मैं सीएससी पलारी में पोस्टेड हूँ। अभी कोविड का समय मेरे लिए सास को और ननंद को कोविड हो गया था, तो मैं तो इधर अपने बच्चे को लेके रह रही थी, ड्यूटी कर रही थी पलारी में, लेकिन वो कब उनका सेवा करते करते संक्रमित हो गए और डेथ हो गई। तो मैं गई थी 10 दिन उनका कार्यक्रम वगैरह होकर, तो 11वें दिन मैंने फिर से अपने यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करी। उसके बाद में हम तीनों माँ बेटे को वो हुआ, कोरोना हुआ। अभी हम लोग स्वस्थ हैं सर, 22 को हुआ था, मैंने 10 तारीख को ज्वाइन कर लिया और अभी हम लोग तीनों माँ बेटे स्वस्थ हैं। वर्षा जी, आपने अपनी आप बीती भी बताई और हम सब इसे द्रवित भी हो गए और ऐसे ही स्थिति में भी आपने अपने दायित्व का निर्वहन भी किया। जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। इस महामारी के काल में आप लोग जो सेवाएं दे रही हैं, जिन परिस्थितियों में दे रही हैं, उसके लिए मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथीगण, सभी अधिकारीगण और सभी नर्सों को मैं नमस्कार करता हूं और बधाई भी देता हूं कि विपरीत परिस्थिति में आप काम कर रही हैं। बहुत से सभी नर्सों से बात नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ नर्सों से हमने बात की और उनके परिवार प्रभावित होने के बाद भी किस प्रकार से ऑपरेशन थिएटर, न केवल वो खुद प्रभावित हुए, परिवार के लोग प्रभावित हुए, परिवार के लोगों को खोने के बाद भी जो सेवाएं आपने दी है वो उत्कृष्ट सेवा की श्रेणी में आता है। और मैं सभी जितने भी नर्स बहनें हमारे काम कर रहे हैं उसको मैं सलाम करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। ज़रा सोचिए कैसा होता होगा वो क्षण जब इंसान अपनी ही आंखों के सामने अपनों को पल पल मरते देख रहा होता है, उसके दिल पर क्या बीत रही होती है। हजारों सपनों का टूटना जैसे वो स्वीकार कर चुका होता है। हम सोच जरूर सकते हैं पर उस पर क्या बीत रही है उसे महसूस नहीं कर सकते। सलाम है उस नर्स के जज्बे को जो इस मुश्किल दौर में भी लगातार लोगों की जिंदगियां बचा रही है और वहीं डटकर अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। नमस्कार।